पाकिस्तान हनी ट्रैप के जरिए भारतीय जवानों को अपना शिकार बना रहा है और उसके जरिए उनसे खुफिया जानकारी निकलवा रहा है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके चलते कई कड़े नियम भी लागू किए गए, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में फिर भारतीय नेवी के 11 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान चाहे कितनी भी बार मुंह की खा ले, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान नई नई चालें चलकर भारत के जवानों को अपने शिकंजे में कस रहा है। इस बार ये मामला हनी ट्रैप का है जिसमें भारतीय नेवी के जवानों को फंसाया गया है और भारतीय नेवी के 11 जवान पकड़े गए हैं। इन पर पाकिस्तान की चाल में फंसकर खुफिया जानकारी ट्रांसफर करने का आरोप है। पाकिस्तान के हनी ट्रैप के जाल में फंसकर कथित रूप से जासूसी करने के मामले में कुल 13 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें 11 नेवी कर्मचारी और 2 अन्य लोग शामिल हैं। लंबे समय से इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जा रही थी जिसमें पाया गया कि ये संदेहजनक प्रोफाइल्स के संपर्क में थे। आंध्र प्रदेश पुलिस और केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सामने आया कि पाकिस्तान ने इस बार भारत की खुफिया जानकारी निकालने के लिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया था। नेवी जवानों को नौसेना के अलग अलग अड्डों से पकड़ा गया है। इसमें मुंबई, कर्नाटक, विशाखापट्टनम शामिल है। हनी ट्रैप का शिकार होने के बाद इन लोगों ने भारतीय नेवी से जुड़ी खुफिया जानकारी शेयर की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सैन्य कर्मियों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रच रही है। हालांकि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से ही भारतीय नेवी ने ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है। नेवी में सिर्फ 2G फोन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। भारतीय सेना और एयरफोर्स में भी ऐसा ही बैन है। फिर भी पाकिस्तान इसका कोई न कोई तोड़ निकाल कर देश के जवानों को फंसा कर उनसे खुफिया जानकारी निकलवा रहा है और उन्हें गद्दार साबित करने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान अपने गलत इरादों को अंजाम दे रहा है और इसका शिकार बनाया जा रहा है भारतीय जवानों को। पाकिस्तान इस तरह के जाल बिछाकर भारत के जवानों का इस्तेमाल करता है जिससे भारत की सेना को कमजोर कर सके, लेकिन पाकिस्तान इन चालों से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की इन चालों से निपटना भारत को अच्छे से आता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।